को करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होती है? करते हैं तो सुनना पड़ेगा। केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का एपीचमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं। 2015 में एक आंदोलन के आधार पर बनी हुई सरकार है। केंद्र सरकार पावर हाथ में लेना चाहती है। भैया, केंद्र सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ की जनता की कृपा से हमें पावर भारत की जनता ने ही दे दी। 91 से लेकर 2015 तक मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, फिर साहिब सिंह वर्मा बने, फिर थोड़े समय के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बनी, फिर थोड़े शीला दीक्षित जी बनी, मगर किसी से केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग विकास करना चाहते थे, सब पावर लेना नहीं चाहते थे। मान्यवर, उस वक्त कई बार कांग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार ऊपर रही, कई बार हमारी सरकार नीचे थी ऊपर कांग्रेस की सरकार रही। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस वक्त यही व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं थी। मगर 2015 में एक आंदोलन के आधार पर बनी हुई सरकार आई, और फिर जो बताया कई सदस्यों ने कि केंद्र सरकार पावर हाथ में लेना चाहती है। भैया, केंद्र सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ की जनता की कृपा से हमें पावर भारत की जनता ने ही दे दिया। ये अधिकार हमें भारत की जनता ने दिया है, और कई राज्यों में, पूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, कोई पावर लेने की जरूरत नहीं है। ये बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर आया। मान्यवर, शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। लंबे चौड़े ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के सुंदर सुंदर अंग्रेजी शब्दों से बोलने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है। मान्यवर, मैं सबको बताना चाहता हूं कि कोई भी इसका विरोध करे, जो अगर सत्य है कि 91 से लेकर 2015 तक यही व्यवस्था चलती थी, इसमें हमने कोई फर्क नहीं किया है। मान्यवर, मैं इसलिए बात करना चाहता हूं कि नई व्यवस्था आई, कई सदस्यों ने कहा, मैं तो तब बोलना नहीं चाहता मगर कहा है, इसलिए सिर्फ रिपीट करता हूं कि अराजकता फैलाने का काम दिल्ली में शुरू हो गया। मान्यवर, शासन व्यवस्था के एक फ्रेमवर्क में चलना पड़ता है। अगर मैं मंत्री हूं तो मेरे मंत्री के नाते अधिकार है तो दायित्व भी है, मैं किसी और के अधिकार का हनन नहीं कर सकता। मान्यवर, कई बार ऐसी व्यवस्था ही, मैं बाद में बात करूंगा, अभी चिदंबरम जी खड़े हो गए थे, वो होम मिनिस्टर थे तब क्या हुआ था और उन्होंने फाइल पर क्या लिखा है वो भी है मेरे पास, मैं बताऊंगा। मान्यवर, परंतु मैं इतना स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि 91 से लेकर 2015 तक ये व्यवस्था जस की तस थी, जिसको बदलने के लिए 2015 में एक परिपत्र किया गया दिल्ली सरकार द्वारा, जिसको नलीफाई करने के लिए भारत सरकार ने एक परिपत्र सेवाओं के बारे में इश्यू किया। उसको उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, उच्च न्यायालय में भारत सरकार के पक्ष में फैसला आया, फिर सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ को वो रिफर कर दिया गया। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक आदेश दिया जिसका सार है कि मंत्री परिषद की अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावित किया। मान्यवर, फिर वो डिवीजन बेंच के अंदर, दो जज की बेंच के अंदर गया, वहां सहमति नहीं बनी और फिर से खंडपीठ को रिफर कर दिया गया, और 11 मई को सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सेवाओं के मामले में अपना निर्णय दिया। ये जो निर्णय है मान्यवर, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये विषय तय किया है, भारतीय संघ को केवल 3 विषयों पर, पॉलिसी और पुलिस, पब्लिक और
पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये तीन विषय पर ही कार्यकारी अधिकार प्राप्त है। सेवाओं का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहता है, परंतु उसी जजमेंट में ये कहा गया, हालांकि 239 AA को कोट कर कि संसद को दिल्ली राजधानी क्षेत्र के सभी विषयों पर और किसी भी क्षेत्र पर कानून बनाने का अधिकार है। मान्यवर, अब जो लॉयर होते हैं वो बातों को बहुत खूबसूरत तरीके से रखने में माहिर होते हैं। एक ही अधिवक्ता एक बार एक धारा को डिफेंड करता है तो वही अधिवक्ता दूसरी बार वही धारा का विरोध करता है, मगर हमको तो ऐसी महारत हासिल नहीं। हम तो सार्वजनिक जीवन के छोटे कार्यकर्ता है, तो जो सच होते हैं वो बोलते हैं। मैंने अभिषेक मनु सिंघवी जी को ध्यान से सुना। मान्यवर, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या करा उनको पूरा मालूम है, मैं मानता हूं मालूम होगा, बड़े विद्वान वकील है। उन्होंने अनुच्छेद 339(7A) को पढ़ा, जिसमें लिखा है 239(7A) के तहत संसद को केंद्र सरकार के प्रावधानों को इफेक्ट देने या सप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने पढ़ा, मगर इसके ऊपर 3B में नहीं गए। मैं अब पढ़ता हूं 3B क्या है। पहले मैं 239(AA) में दिल्ली के विषय में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत दिल्ली विधानसभा सहित संघ शासित प्रदेश है, विधानसभा सहित संघ शासित प्रदेश। मान्यवर, इसके 239(AA)(3B) के अनुसार दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र या पूरा राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद का अधिकार। अब मैं विनम्रता से इतना ही पूछना चाहता हूं कि किसी भी विषय पर आता है, इसमें सर्विसेस आती है या नहीं आती है, सर्विस विषय है या नहीं है। और मान्यवर, और इससे आगे जाकर 239(AA)(3C) के अनुसार संसद को, ये भी ध्यान से सुने सदन, संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसका स्वरूप बदलने का या उसको निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया। और मानने वाले, हम लेकर नहीं आए, कौन लाए? आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई, ये हम लेकर नहीं आए। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इनको करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होती है? करते हैं तो सुनना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का एपिचमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध करें।